हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुज कुमार आपका वेलकम करता हूं और आज हम लोग देखेंगे एक न्यू टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इस पार्ट वन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर स्टेमेंस को देखेंगे, एंथर्स को देखेंगे। तो एक जनरल इसका एक इंट्रोडक्शन टाइप में समझेंगे। तो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी में क्या होता है बेटा, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ऑल प्लांट या ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव, है ना। तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सभी में होता है। फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, आपको याद रखना है, और आपके एनसीईआरटी में एक लाइन भी दी हुई है कि फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इंटीमेट रिलेशनशिप विथ ह्यूमंस भी है इसका और अदर एनिमल्स के साथ भी इसका इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। खैर, हम लोग बात करते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो इसके स्ट्रक्चर और इवेंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लांट में जब फूल दिखने से पहले ये डिसीजन हो जाता है कि प्लांट्स में फूल आने वाले, तो जैसे ही फ्लावर आने वाले होते हैं तो प्लांट्स में ये डिसीजन पहले से ही हो जाता है और उसका पता पहले से पता लग जाता है। कई हार्मोन और स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं उसमें प्लांट्स में, जिससे फ्लोरल प्रीमोर्डियम का डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे उससे पता लगता है कि प्लांट्स में अब फ्लावर आने वाले हैं। ओके, अब इन्फ्लोरेसेंस बनता है, इससे क्या बनता है, इन्फ्लोरेसेंस बनता है जो फ्लोरल बड और क्या बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो फ्लावर बड और फ्लावर को कैरी करता है, तो इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट होता है। इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट होता है, इससे क्या बनता है, फ्लोरल बड और फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होते हैं, इसके बाद फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एंडोसियम में स्टेमेंस का एक कोरल होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, और गाइनीसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, आपको एंडोसियम और गाइनीसियम। ठीक है, हम लोग फ्लावर को देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक फ्लावर है, यहाँ पर नीचे रिसेप्टिकल है, ये प्लेसेंटा है, दिस इज द प्लेसेंटा। ठीक है, ये ग्रीन सेपल्स है जो लीफ स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, ये ग्रीन सेपल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटिगमेंट्स हैं, इंटिगमेंट, दिस इज द इंटिगमेंट्स। ठीक है, ये इंटिगमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये माइक्रोपाइल है, दिस इज द माइक्रोपाइल, और यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ये फर्क ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है। ये न्यूसलस है, दिस इज न्यूसलस। ठीक है, ये वॉल ऑफ ओवरी की वॉल है, दिस इज द ओवरी वॉल, दिस इज ओवरी वॉल, और ये क्या है, ओवरी की कैविटी है, तो दिस इज द ओवरी कैविटी। ठीक है, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, दिस इज स्टाइल। ये क्या कहलाता है बेटा, ये स्टाइल कहलाता है, दिस इज स्टाइल। ठीक है, स्टाइल सपोर्ट द स्टिग्मा, और ये दिस इज क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पर क्या होते हैं, दिस इज यहां पर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पेटल्स है। ठीक है, दिस इज एंथर, ये एंथर है और ये एंथर के फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज एंथर और ये एंथर के फिलामेंट्स हैं। ठीक है, एंथर इज द साइट फॉर पोलन प्रोडक्शन, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, स्टिग्मा प्लेटफॉर्म फॉर पोलन टू लैंड ऑन। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या कहती है, एक प्लेटफॉर्म है
जिस पे पॉलन क्या करता है, लैंड ऑन करता है, ठीक है। और ये जो कैविटी है ये क्या कहलाती है, ये ओवरी कहलाती है। ओके, एक जनरल सा ये एक इंट्रो था। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें ध्यान से, तो एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें, ठीक है। दिस इज द एंथर, ये देख रहे हैं आप, बाइलोब्ड होता ही हमेशा। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, हम लोग इसको अभी पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द इसका फिलामेंट, ये फिलामेंट है इसका, ठीक है, जिससे एंथर अटैच है। अगर हम लोग एंथर के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, इसका ट्रांसफर सेक्शन करें, तो आपको दिखाई देगा यहां पर पोलन सैक होते हैं। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर पोलन सैक पाए जाते हैं, ठीक है। ये पोलन सैक है, दिस इज द पोलन सैक, ये क्या है, ये पोलन सैक है, ठीक है। और यहां पर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, यहां पर क्या पाए जाते हैं, यहां पर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो आपको एंडोसियम को समझना था, एंथर को समझा, अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरी, दिस इज द, ये जो स्ट्रक्चर है, ये यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्लांट्स की ओवरी कहलाता है। ओवरी में ओव्यूल होता है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर और ओवरी है, ठीक है। ओवरी में क्या है, यहां पर ओव्यूल है, ये पिस्टल है, दीज आर द पिस्टल्स, ठीक है। यहां पर ये स्टाइल है, दिस इज द स्टिग्मा, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और ये क्या है, ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है। और ये एंथर का जो बेस है वो क्या कहलाएगा, स्टेमेन कहलाएगा। ओके, हमने यहां पर तक हमने पूरा इसको देखा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, हमने बात की थी आपको प्लांट में फ्लावर को देखने से पहले ही डिसीजन होता है कि प्लांट्स में फूल आने वाले हैं, और ये कई हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस उसमें शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इससे एक फ्लोरल प्रीमोर्डियम का डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट्स होता है। तो क्या होता है फ्लावर में, क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट्स में, ठीक है, सबसे पहले क्या शुरू होते हैं इसमें, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, हार्मोनल एंड एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ठीक है। अब इनके चेंजेस से क्या हो जाएगा, एक फ्लोरल प्रीमोर्डियम का डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, फ्लोरल प्रीमोर्डियम का इसका डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। जब डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। इससे क्या होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहां पर क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अब एंडोसियन में स्टेमेंस का एक कोरल होगा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। तो एंड्रोसियम में क्या होगा, ठीक है, एंड्रोसियम में क्या होगा, एक कोरल होगा, ये क्या कहलाएगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार गाइनेशियम में कब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, तो गाइनेशियम को क्या बोलते हैं, गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा, अब हम लोग बात करते हैं स्टेमेंस की। स्टेमेंस में दो चीजें पाई जाती है, स्टेमेन में क्या होता है, स्टेमेन में दो चीजें होती है, ये हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, स्टेमेन, स्टेमेन में दो चीजें पाई जाती है, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। द फर्स्ट वन इज फिलामेंट एंड द सेकेंड इज एंथर, ठीक है। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग और सिलेंडर स्टाल्क होता है, और जो एंथर होता है ये टर्मिनल होता है, ठीक है, एक प्रकार का टर्मिनल, दिस इज द टर्मिनल, ठीक है। तो ये टर्मिनल है, एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, ये मोस्टली क्या होता है, ये
बाईलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो एंथर क्या है? मोस्टली बाईलोब्ड स्ट्रक्चर है। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि एंथर क्या होता है, दिस इज द बाईलोब्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, एंथर क्या है? एक बाईलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग यही देख रहे थे। तो एंथर क्या होता है? एक बाईलोब्ड स्ट्रक्चर है। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है थैलस और पेटल से जुड़ा होता है, ये ठीक है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ठीक है, कनेक्टेड विथ किससे जुड़ा होता है? थैलस और पेटल से। थैलस एंड पेटल से ये जुड़ा होता है। तो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? थैलस और पेटल से ये कनेक्टेड होता है। स्टेमन की लेंथ और नंबर दोनों अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये वेरी करता है कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार का होगा। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है। अभी हमने थोड़ी देर बात की कि एंथर क्या होता है, ये बाइलोब्ड होता है। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म में बाइलोब्ड ही होगा। ईच लोब हैज टू थीका, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ईच लोब हैज टू थीका, ठीक है। इसमें दो थीका होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइथीकियस बोलते हैं। डाइथीकियस कहते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइथीकियस कहते हैं, ठीक है। इसमें तो ईच लोब हैज टू थीका, इसको आपको याद रखना है कि हर लोब में दो थीका होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको याद रखना है, इसलिए इसको डाइथीकियस कहते हैं। तो प्लांट्स में हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं, फ्लोरल प्रिमोर्डियम डिफरेंस और डेवलपमेंट्स हो रहा है, जिससे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और ठीक है, इससे जो एंड्रोसियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम कर रहा है, और जो गायनिसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। फिर स्टेमन्स की हमने बात की कि इसमें फिलामेंट्स होता है और एंथर होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। फिलामेंट्स इसका प्रॉक्सिमल एंड्स होता है, वो थैलस और पेटल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एंथर टर्मिनल एंड कहलाता है, ये बाइलोब होता है। ईच लोब में दो थीका होते हैं जो डाइथीकस कहलाते हैं। एंथर एक फोर साइडेड स्ट्रक्चर है। एंथर इज द क्या है, देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में कि क्या है। एक फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें चार कॉर्नर्स पर चार माइक्रोस्पोंजिया पाए जाता है। हम लोग इसको दूसरे स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं, हमने इसको यहां पर देखा था, ठीक है। ये क्या है, इसमें देखिए फोर साइडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, ठीक है। इसमें फोर कॉर्नर्स पर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, और ईच लोब हैज टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। हर लोब में क्या होते हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पॉलन सैक बन जाती है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलपमेंट होकर क्या बन जाती है, इसमें ये पॉलन सैक में डेवलप हो जाती है, ठीक है। जब ये पॉलन सैक में डेवलप हो जाती है तो ये एंथर की पूरी लेंथ तक लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करती हैं, जैसे यहाँ पर ये कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनली ये एक्सटेंड करती हैं पूरी लेंथ तक, ठीक है। और जब ये पूरी लेंथ तक एक्सटेंड करती है इससे, और इनमें क्या होते हैं, एक्सटेंड करने के साथ ही इनमें, इन पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेंस को देखना है, और यहाँ पर ये जो है ना, ये लाइन्स हैं, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस कहलाती हैं, LINE लाइन ऑफ डेहिसेंस, DEHISCENCE, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो यहां तक हमने देखा, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का, कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। पहले से स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर आप देखेंगे इसको लुक, तो ये सर्कुलर दिखाई देता है कुछ, ये दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। ये कुछ सर्कुलर दिखाई देता है, इसको पूरा करेंगे तो सर्कुलर दिखाई देगा, ठीक है। इसमें फोर वॉल लेयर होती है, ठीक है, जिसमें पहली क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, जो सबसे बाहर पाई जाती है वो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें इंडोथीसियम होती है। सेकंड क्या होती है, इसमें इंडोथीसियम होती है, ठीक है। जो थर्ड होती है वो मिडिल लेयर कहलाती है। तो थर्ड वन इज
मिडिल लेयर कहलाती है, और जो फोर होती है वो टेपिटम होती है, द फोर इज टेपिटम, ठीक है। अब ये जो यहां पर आप देख रहे होंगे ना, ये बीच में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर ये मदर सेल्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये सभी क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है इसमें, ठीक है। जो बाहरी तीन लेयर होती हैं वो प्रोटेक्शन और एंथर के डिस्टेंस में हेल्प करती हैं, तो ये जो तीन, ठीक है, इसका जो मेन काम है वो क्या है बेटा, ये है प्रोटेक्शन, ठीक है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया था एंथर के डिस्टेंस में एंड डिस्टेंस ऑफ एंथर, ठीक है, इसमें ये हेल्प करती हैं, जिससे क्या होता है पोलन ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और इन्हीं से पोलन ग्रेन्स फिर क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। टेपिटम सबसे अंदर वाली लेयर है, ये इनर लेयर है, ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर है बेटा, और जो इनर मोस्ट लेयर है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को क्या करती है, नरिश करती है, ये क्या करती है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को क्या करती है, नरिश करने का काम करती है। टेपिटम की सेल में डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, जनरली एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, ये सेल है जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जनरली इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है, क्या होता है इसमें, डेंस साइटोप्लाज्म और जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है, यहां तक देखें। अब यंत्र, जब यंत्र यंग होता है, ठीक है, जब यंत्र क्या होता है, जब अंतर यंग होता है तब ईच स्पोरेंजियम के सेंटर में एक क्या होता है, एक कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल का ग्रुप होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्पोरेंजियस टिशू कहते हैं, जिसे कहते हैं स्पोरेंजियस टिशू कहते हैं, ठीक है, दीज आर द स्पोरेंजियस टिशू, ठीक है, ये रहे, ये क्या है, ये स्पोरेंजियस टिशूज हैं, ये सब क्या है, ये स्पोरेंजियस टिशू हैं, दीज आर द स्पोरेंजियस टिशू, ठीक है। अब इसका आपने देखा तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टीएस ऑफ एंथर को देख सकते हैं, यहां पर टीएस ऑफ एंथर में ये चीजें हैं, टैपिटम सबसे अंतर वाली लेयर है, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, और यही आगे डेवलपमेंट होकर यहां पर ये जो वॉल है डिसेंट एंथर, ये वॉल में क्या हो जाता है, ये वॉल ब्रेक हो जाती है और यहां से पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को आपने समझा होगा, एंथर को समझा आपने, एंथर के अलावा आपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को समझा और किस प्रकार से कि एंडोसियम गाइनोसियम होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को समझा, तो आपने एक बेसिक समझ ली, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो उम्मीद करता हूँ। चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थैंक यू।